आपका स्वागत है मेरे चैनल ही एंड शी किचन में। और ये देखिए आज हम लाए हैं ताजा ताजा मीठे मीठे ग्रेप्स। और आज की जो हमारी रेसिपी है उसमें हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए एक इंग्रेडिएंट और वो है ग्रेप्स। अब आप सोचेंगे कि सिर्फ ग्रेप्स से क्या बनेगा? जी हाँ, इससे हम बनाएंगे बहुत ही महंगी चीज जो बहुत ही महंगे दामों में मिलती है और खाने में बहुत हेल्दी होती है, टेस्टी होती है, और वो है किशमिश। जी हाँ, इन ग्रेप्स से हम बनाएंगे किशमिश जो खाने में तो टेस्टी होती ही है और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इससे खून बढ़ता है, हमारा डाइजेशन सही रहता है, और मिठाइयों की तो ये शान है ही, हलवे में और समोसों में इसको डालते ही जान आ जाती है। तो आज हम बना रहे हैं घर पर ही अंगूर से ये किशमिश। अब ये कैसे बनेगी, इसके लिए हम लेंगे ताजा ताजा ग्रेप्स। अब ये है हमारे पास लंबे वाले, तो इसमें जो छोटे वाले आते हैं गोल ग्रेप्स, आप वो भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम इनको अलग कर लेंगे। बस हमें देखना ये है कि जो ग्रेप्स हैं वो बिल्कुल ताजे हो, कहीं से गले हुए या फिर फूटे हुए ना हो। तो ये अभी हम इनको पहले अलग कर लेते हैं। तो हम पहले सारे ग्रेप्स को अलग कर लेंगे। और ये मैंने लिए हैं आधा किलो ग्रेप्स, और आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और जो ग्रेप्स हैं वो अभी ये मीठे हैं, इसमें खट्टे ग्रेप्स भी आते हैं, तो अगर आप खट्टे ग्रेप्स लेंगे तो जो किशमिश है वो थोड़ी खट्टी मीठी बनेगी, और जो मीठे ग्रेप्स हैं उनसे हमारी जो किशमिश है वो बहुत मीठी बनेगी। और इसको बनाने में लगेंगे सिर्फ 10 मिनट। जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट में जो हमारे ग्रेप्स हैं उनसे बन जाएगी किशमिश, और बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, बिना किसी केमिकल के। ये हमने सारे ग्रेप्स अलग कर लिए हैं, और अगर इसमें से कोई आपको खराब लगे तो आप उसे निकाल दीजिए। तो ये हमने निकाल दिए हैं, और अब इनको हम एक बार अच्छे से वॉश कर लेते हैं दोबारा। तो ये ग्रेप्स को हमने धो लिया है, और अब हम लेंगे एक बर्तन और उसमें हम पानी को उबालेंगे। तो ये हमने ले लिया है लगभग 1.5 लीटर पानी, और इसको हम उबाल लेते हैं। और जब तक पानी उबलता है तब तक हम ले लेते हैं एक चलनी। तो अब इन ग्रेप्स को हम डाल देंगे एक ऐसी चलनी में। अगर आपके पास ऐसी चलनी नहीं है तो और भी कोई चलनी हो, जैसे कि आटा छानने की या गेहूं छानने की, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो अब पानी उबलने वाला है, और अब इस उबलते हुए पानी के ऊपर हम रख देंगे ये ग्रेप्स, और इनको हम ढक देंगे, और घड़ी से टाइम देखकर हमको इनको 10 मिनट तक भाप में पकाना है। और भाप में पकाने से क्या होगा कि इनके अंदर की जो मिठास है वो बरकरार रहेगी, वो खत्म नहीं होगी, और इनके अंदर की जो मॉइस्चर है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और इनको हम अच्छे से प्रिजर्व कर पाएंगे। तो अभी हम इनको ढक देते हैं 10 मिनट के लिए, और इस लिड में जो एक छेद है उसको भी हम बंद कर देते हैं ताकि इसकी जो भाप है वो पूरी अंदर रहे। तो अब इनको रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं, तो एक बार हम इनको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, इनको हम थोड़ा सा अलट पलट कर लेते हैं ताकि भाप सब तरफ से लग जाए, और देखिए इनका कलर भी चेंज हो गया है, और ये थोड़े से फटने भी लग गए हैं, पर कोई नहीं, ये तो फटेंगे क्योंकि भाप लगते ही इनमें प्रेशर बनेगा अंदर। और अब 5 मिनट हम इनको और ढक देते हैं, और अब हो चुके हैं पूरे 10 मिनट। तो गैस को हम कर देते हैं बंद, और शुरू के 5 मिनट में हमने गैस को रखा था हाई फ्लेम पर, और उसके बाद हमने कर दिया था इसको मीडियम पर। अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, जो ग्रेप्स हैं वो काफी हद तक, मतलब बहुत ही सिकुड़ से गए हैं, इनमें थोड़ी थोड़ी झुर्रियां पड़ने लगी हैं अभी से ही।
अब इनको हम कर देते हैं ट्रांसफर एक कपड़े पर। तो ये हमने एक ली है ट्रे या थाली, कुछ भी ले लीजिए, और उस पर हमने लगा दिया है एक पेपर, और उस पर हम बिछा देंगे एक कपड़ा, कोई भी सूती कपड़ा आप बिछा सकते हैं, और उस पर हम इन ग्रैब्स को ट्रांसफर कर देते हैं। और ये देखिए, इनको आप थोड़ा दूर दूर अलग अलग कर दीजिए, और अब इनको हम रख देंगे। और अब इनको हम थोड़ा दूर दूर कर देते हैं ताकि हर एक ग्रैप्स को अच्छे से हवा मिले। और अब इनको हम रख देंगे पंखे की हवा में, और अगर आपके यहाँ हल्की सी धूप आ रही है तो आप उसमें भी रख सकते हैं, लेकिन तेज धूप में इनको ना रखें, क्योंकि तेज धूप में रखने से ये सूख जाएंगे और बिल्कुल कड़क हो जाएंगे। तो ऐसे किशमिश हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी। तो उसके लिए हमको इनको छाया में ही सुखाना है, या फिर कम धूप में, या फिर पंखे की हवा में। तो इनको सूखने में अभी लगेंगे 2 से 3 दिन, तो अब इनको हम सूखने देते हैं और मिलते हैं अभी 1 दिन बाद। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारी पूरे 1 दिन के बाद किशमिश की हालत। तो हमने पूरा इसको 24 घंटे तक पंखे में रखा था, मतलब 24 घंटे पंखा नहीं चला, लेकिन जितनी देर पंखा चला उतनी देर ये पंखे में रही, बाकी टाइम बिना पंखे के थी। तो अब ये देखिए इतनी इसकी कंडीशन है, मतलब काफ़ी इसका मॉइस्चर सूख गया है, लेकिन अभी ये पूरी तरह किशमिश नहीं बनी है, तो इसको अभी भी टाइम लगेगा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि 2 से 3 दिन लगते हैं, तो ये फिलहाल अभी 1 दिन हो चुका है, और अब इसको हम दोबारा से आपको बताएंगे 1 दिन बाद। तो ये लीजिए, ये आज हमको पूरे 3 दिन हो गए हैं, और ये जो हमारी किशमिश है वो अच्छे से सूख चुकी है, बिल्कुल रेडी है, देखते ही लग रहा है कि बस बाजार से लाए हैं। तो अब आप देखिए, इनको हम डालते हैं एक बोल में। तो ये गई हमारी किशमिश, होममेड किशमिश, जो कि हमने बनाई है अंगूर से। और ये है हमारी मार्केट वाली किशमिश। तो ये देखिए, बिल्कुल लगती है ना बाजार जैसी, और जो हमारे जो ग्रैप थे वो थोड़े लंबे थे, मोटे थे, इसलिए हमारी जो किशमिश है वो लंबी लंबी बनी है, और बाजार वाली थोड़ी सी छोटी बनी है। कलर भी देखिए कितना प्यारा आया है, और है भी बहुत ही टेस्टी और जूसी, और खाने में भी बहुत ही अच्छी है। बिल्कुल लग रहा है कि बाजार से ही लाए हैं, कोई देखकर बता नहीं सकता कि हमने घर पे बनाई है। तो जब मार्केट में अंगूर सस्ते हो और आपको बनाना हो किशमिश, तो आप इस तरह से वीडियो देखकर आप जरूर से किशमिश बनाइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।